Bismillahirrahmanirrahim. This is our 13th lecture. Today we will discuss about separation of variables. हम last lecture में जो lecture हुआ था उसमें हमने discuss किया था method of images. Method of images को use करते हुए हम potential की value find करते होते थे कि हमें अगर एक चार्ज गिवन है अबव द कंडक्टर, हमने ये एग्जांपल की थी कि हमें अगर चार्ज गिवन है अबव द कंडक्टर और ये जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस ये भी चार्ज है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी सरफेस कंडक्टर है, जहरी बात है इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है. तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता था किसी एक गिवन पॉइंट के ऊपर. हम क्या करते थे, हम असल जो प्रॉब्लम होती थी उसी हम एक दफा भूल जाते थे. मेथड में यही बताया हुआ था कि फॉरगेट द ओरिजिनल प्रॉब्लम, कंसीडर दैट वी हैव एन अदर चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज नेगेटिव चार्ज. तो हम उसे कहते थे ये उस तरीके से हम मेथड ऑफ इस मेथड को हम कहते थे मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है. तो फाइनली हम फाइंड कर लेते थे कि वो जो फाइंड हमने किया था कि फाइनली वो माइनस क्यू के बराबर आया था. आज हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे जो जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है. हमारे पास एक पोटेंशियल की एक इक्वेशन होगी, तो हम देखेंगे कि वो जो पोटेंशियल है वो किस किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मिसाल के तौर पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा होगा एक्स वाई और जी कंपोनेंट के ऊपर. उसके तीन कंपोनेंट होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं. तो हम उन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है. सेपरेट कैसे करेंगे, हम एक्स मिसाल के तौर पर कुछ टर्म्स एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रही है और जो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर एक्स या वाई या जी ओवर पार्शियल जिसके रिस्पेक्ट से भी हम वो डेरिवेटिव लेंगे, तो हम उसी एक्स वाई जी से डिवाइड कर दिया करेंगे. एक्स वाई जी से डिवाइड करेंगे तो जो इस डेरिवेटिव की सिर्फ वही टर्म बचेगी जो जो वेरी हो रही है उसके रिस्पेक्ट से. मिसाल के तौर पर हम एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट से जो टर्म्स होंगे, जो वो टर्म्स जो डिपेंड कर रही होंगे किस चीज के ऊपर, वाई और जी के ऊपर, हम उसे डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया करेंगे. फिर हम क्या किया करेंगे, डिवाइड कर दिया करेंगे एक्स वाई जी से. एक्स वाई जी से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म जो बाहर टर्म्स लिखी है ये कैंसिल आउट हो जाया करेंगे और हम हर टर्म सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है. इस मेथड को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस लैप्लासिस इक्वेशन डायरेक्टली. हम लैप्लासिस इक्वेशन को डायरेक्टली देखेंगे, डिस्कस करेंगे और कैसे डिस्कस करेंगे, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये फिजिसिस्ट का फेवरेट टूल है टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है. दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन सर्कमस्टांसिस. ये मेथड किन सर्कमस्टांसिस में, किन कंडीशंस के तहत अप्लाई होता है, वेयर द पोटेंशियल और द चार्ज डेंसिटी इज स्पेसिफाइड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ सम रीजन, ठीक है. यानी इसका मतलब ये है कि हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो, या बाउंड्री कंडीशन क्या, जो चार्ज स्पेसिफिक जो सरफेस हमने स्पेसिफाई किया है उस सरफेस की बाउंड्री के ऊपर या तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो या फिर हमें चार्ज डेंसिटी गिवन हो वो उस बाउंड्री के ऊपर. एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द पोटेंशियल इन द इंटीरियर, और उस सरफेस के अंदर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कि हम फाइंड करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, ठीक है. इसमें जो बेसिक स्ट्रेटेजी होगी इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वो बहुत ही सिंपल है.
हम क्या करेंगे, वी लुक फॉर सॉल्यूशंस दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास पोटेंशियल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, मतलब एक्स वाई जी कंपोनेंट होंगे, वो हम वो एक एक पोटेंशियल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, या वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, या जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया करेंगे, जिसमें से हर एक टर्म सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर, एक वेरिएबल मतलब एक कोऑर्डिनेट के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड दिस मेथड थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ एग्जांपल्स। हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये एक मिनट रुकिएगा, इसके अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री में क्या है, टू इनफाइनाइट ग्राउंड मेटल प्लेट। अच्छा, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि टू इनफाइनाइट ग्राउंड मेटल प्लेट्स लाई पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये दो मेटल प्लेट्स को रखा हुआ है। जो एक पहली जो मेटल प्लेट है उसे y इज इक्वल टू जीरो पे रखा हुआ है। ठीक है, द अदर एट y इज इक्वल टू a के ऊपर रखा हुआ है, या ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर y कंपोनेंट है। हाँ ठीक है, y जो पहली प्लेट है उसका जो पहली प्लेट जो रखी हुई है प्लेन के अंदर, वहां पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू जीरो है, और दूसरी a के ऊपर रखी हुई है, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो a के बराबर है। ठीक है, द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सा, इन दो प्लेट्स, ये हमारा सिस्टम एक बन गया, तो इसके लेफ्ट लेफ्ट हैंड जो है उसे हमने इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लेट के साथ या स्ट्रिप के साथ बंद किया हुआ है। ठीक है, द लेफ्ट हैंड इज क्लोज्ड ऑफ विद एन इनफाइनाइट स्ट्रिप इंसुलेटेड फ्रॉम द टू प्लेट्स। ठीक है, एंड मेंटेन एट अ स्पेसिफिक पोटेंशियल, और इसे हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पे रखा हुआ है, और जिसकी वैल्यू वी नॉट ऑफ वाई है। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल है, स्पेसिफिक पोटेंशियल, वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा वाई के ऊपर। फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड दिस स्लॉट, इस स्लॉट के अंदर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा, इसका जो तरीका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी जो इसका सोल्यूशन है वो बुक में गिवन है, सॉल्व की हुई है एग्जांपल। इनको इस एग्जांपल को आपने कर भी लेना, सॉल्व भी कर लेना है। मैं इसी एग्जांपल को, क्योंकि आज थोड़े बच्चों ने ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम पोटेंशियल की जो इक्वेशन है हमारे पास वो हम लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट टर्म्स बाय सिमेट्री, सिमेट्री के लिहाज से हम टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें राइट डाउन द बाउंड्री कंडीशंस। तो हम बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन होगी, बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, के जो पहली मेटल प्लेट हमने रखी हुई है एट y इज इक्वल टू जीरो, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू स्पेसिफाई होगी। फिर जो जो मेटल प्लेट हमने रखी है एट y इज इक्वल टू a के ऊपर, वहां पे हम पोटेंशियल की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस अपनी लिख लेंगे। फिर वही जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि कोऑर्डिनेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उनको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, और सारे के सारे वो जो एक्स डिपेंडेंट टर्म था, वाई डिपेंडेंट टर्म था, और जी डिपेंडेंट टर्म था, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह हम इक्वेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, उससे अगला जो स्टेप होगा, उस स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लग इन एक्स वाई जी, ये जो एक्स वाई जी की जो वैल्यूज है इसे हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो अब मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि डिवाइड कर देंगे हर टर्म को एक्स वाई और जी के साथ। ठीक है, एक्स वाई और जी के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, तो मैंने ये यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है,
आप देखेंगे कि ये जो पहली टर्म थी इक्वेशन वन में देखें, पार्शियल स्केयर वी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, यहाँ पे जो जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई जी इसके लिहाज से कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, तो ये हम इसे डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा वाई जी डेरिवेटिव से बाहर और पार्शियल स्केयर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी आ जाएगा। प्लस इसी तरह सेकंड टर्म में एक्स और जी जो है, एक्स और जी कांस्टेंट होगा वाई के, जब डेरिवेट पे हम लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, ठीक है। थर्ड टर्म भी इसी तरह आप देख लें, एक्स वाई डेरिवेटिव से बाहर लिख लेंगे और जो डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें डिवाइड, हम डिवीजन में एक्स वाई जी हर टर्म में लिखा हुआ और यहाँ पे वाई जी कैंसल आउट हो जाएगा पहली टर्म में, दूसरी टर्म में एक्स वाई जो सॉरी एक्स जेड जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, थर्ड टर्म में देखें एक्स वाई जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारी इक्वेशन है, जो पहली इस इक्वेशन में जो पहली टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है, सेकंड टर्म देखें ये सिर्फ और सिर्फ वाई डिपेंडेंट है, इसी तरह जो थर्ड टर्म है ये जी डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी ईच टर्म डिपेंड ओनली ऑन वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कांस्टेंट्स लगाने हैं, कांस्टेंट्स हम ये प्लस के स्क्वायर लगाया करेंगे या फिर माइनस के स्क्वायर, फिर क्या करेंगे टेक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं पहले पॉजिटिव के लिए लिखता हूँ, जी आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू के स्केयर एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव के लिए ये इक्वेशन लिखी, दिस विल बी वेरी सिंपल टू सॉल्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इस इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे हम कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन को और इसमें क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, तो इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, कंबाइन एवरीथिंग बैक टुगेदर एंड होपफुली यू विल हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके बाद ऑर्थोगोनल या पिक आउट सी के कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह ये जो है एग्जाम्पल नंबर 3 इसे आप सॉल्व कर लेंगे। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है इस बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 इनको आपने कर लेना है और बल्कि इसकी असाइनमेंट बना के मुझे PDF में सेंड भी कर देनी है, ठीक है। चलें थैंक यू वेरी मच, ये था आज का लेक्चर। फिर हम नेक्स्ट जो है CR से पूछ लें कि वो कब क्लास लेना चाहते हैं, इस वीक में हम 1 या 2 क्लासेज और लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी